हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक शिव गुरु का शिष्य थी, शिव गुरु का शिष्य थी। वो प्रतिदिन भगवान के भजन करती थी, जाप करती थी, चर्चा करती थी। कहीं भी चर्चा होता था तो वो शिष्य बहन जाती थी चर्चा में। लेकिन बच्चे से वो शिव का पुजारी थी। जब उसका शादी हुआ तो उसको सास ससुर, घर के कोई भी परिवार शिव गुरु को नहीं मानते थे, सब अपमानित करते थे। जब भी वो बहन बैठती थी अपने जाप करने को लिए, भगवान का चर्चा करने को लिए, तो उसको सास ससुर जो भी परिवार थे घर का, वो सारा परिवार गालिए से बात करते थे और कहते थे कि पता नहीं क्या करती है ये, हर बार ऐसे झूठ मूठ के करते रहती है, काम नहीं करती है। उसको इंजाम पे इंजाम लगाए जाते थे। जब उसका शादी हुआ तो ससुराल गई, तब उसका ससुराल के लोग उसको नहीं समझे। खुदा ना खास्ता कि भगवान की मर्जी, भगवान का महिमा कि वो गर्भवती रह गई और उसको पति इस दुनिया से चल बसे। भगवान का जो महिमा होता है, अपरंपार होता है, किस रूप से दुख देते हैं, किस रूप से सुख देते हैं, वो भगवान ही जानते हैं, ये तो मनुष्य का हाथ में नहीं है। तो उनका पति चल बसे तो ये बिल्कुल अकेली हो गई। जब अकेली हो गई तो इसको सास ससुर घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए कि नहीं तू मेरे घर में मत रहो, तू मेरे घर में क्यों रहेगी, तू मेरा घर में मत रहो, जब मेरा बेटा नहीं तो तू कैसे। ये जो बेचारी अकेली थी, गर्भवती थी, वो घर से निकल गई। और जब घर से निकल गई तो निकल के और कोई तालाब था, तालाब के किनारे एक बाबा का आश्रम था, आश्रम था, वो आश्रम में जा के रह गई। लेकिन जब इसको 2-4 महीना का था बच्चा पेट में, तब वहाँ बाबा के पास आश्रम में भी रही। लेकिन जब बच्चा पेट में इसका 7-8 महीना का हो गया तो बाबा कहने लगे कि बेटी तू मेरे पास रहोगी तो तुम्हारा देखभाल कौन करेगा, हम लोग साधु संत हैं, तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकते हैं, जाओ गांव में किसी के घर जाके रह जाओ। वो बेचारी कहाँ जाती, गांव में गई तो गांव में किसी को दया मया लगा तो अपना गोबर घर करने को लिए उसको रख लिए, गोबर घर करने को लिए रख लिए और उसके घर में काम करने लगी, दाई बन के रह गई। जब बेचारी का ये शिष्य बहन का 9वां महीना पूरा हो गया तो एक कन्या पैदा ली तो बहुत सुंदर कन्या थी। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस जिस घर में थी उस घर में वो कन्या का कोई मान नहीं देते थे। सारा लोग कहते थे ये अभागन है, पता नहीं इस क्या लेके जन्म ली है, इसका नसीब में क्या है जो इसका जन्म लेने से पहले इसका पिता दुनिया से चल बसे। नहीं, ये अभागन है, कोई उसको गोद भी नहीं लेते थे, सब अपमान करते थे। इसको जो माता थी वो भी शंकर भगवान का पूजा पाठ करना छोड़ दी थी, ये भी पूजा पाठ नहीं करती थी, इसे भी मन में कोई देवता देवी का ख्याल नहीं आता था। ये जो कन्या बड़ी होने लगी तो कहीं भी देखती थी कि पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ पर जाकर बैठ जाती थी और बहुत प्रेम से कथा कहानी सुनती थी और बिना प्रसाद लिए ये घर नहीं आती थी।
इसे भी चढ़ कर लोग दे देते प्रसादी की ये इसको पिता नहीं है और इसको माता जो है वो नौकरानी के काम करके और अपना परवरिश कर रही, इसको जो घर के परिवार थे इसको माता को निकाल दिए हैं, ऐसे कह के उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके प्रसादी दे देते थे। आई प्रसादी लेकर और घरे आ जाती थी ये बेचारी। धीरे अब कुछ जब इसको ज्ञान हुआ तो अपने माँ से कहने लगी, माँ सबको पिताजी हैं, हमको पिताजी नहीं हैं, मेरे पिताजी कहाँ गए हैं मुझे बता दो, हम भी अपने पिता के पास बैठेंगे, हम भी पिता के साथ खेलेंगे। ये इसको माँ कहने लगी, पिताजी तुम्हारे कमाने गए हैं बेटी, तुम्हारे पिताजी भगवान के पास काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी भगवान के पास गए हैं। बच्चा थी इसको लगता था कि मेरे पिताजी भगवान के पास सचमुच में गए हैं, भगवान के पास काम करते हैं। और कोई भी सामान दे बेचारी लाती थी माँ इसकी और अपने बेटी को देती थी और कहती थी कि तुम्हारे पिताजी भेजे हैं। ये जब बच्चा 7 साल के हो गई तो एक दिन पूरा रोई अपने माता के साथ पास और कहने लगी कि माँ मुझे बता दो भगवान कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, भगवान के पास जाएंगे अपने पिताजी को ढूंढ कर लाएंगे, मुझे बता दो माँ भगवान कहाँ है। माँ बेचारी क्या करती, वो कुछ नहीं बोली और बोली, बेटी जब तू बड़ी हो जाओगी तब बता देंगे कि भगवान कहाँ है। बोले ठीक है, हम जब बड़े हो जाएंगे तभी बताना, कोई बात नहीं। माँ जो थी वो काम करने चल गई, काम करने चल गई और ये क्या की लड़की कि घर से बाहर हो गई, घर से बाहर हो गई, गांव से दूर हो गई। चल रही है, चलते 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 बहुत दूर चल गई घर से। पूरा दोपहर हो गया, दोपहर हो गया, दोपहर हो गया तो रास्ते में बैठ के और भूखे प्यासे ये रोने लगी, रोने लगी और कहने लगी, नहीं ओ मैं हई मोरा घर परिवरवा जी, घर परिवरवा, अरे नहीं हई धन दौलतिया मोरा शिवा गुरु, नहीं हई धन दौ लतिया मेरा शिवा गुरु, सब कोई के मिला हाई पिताजी के प्यारावा, यजी पिताजी के प्यारावा, हमारो के प्यारा तू दिलवा दा मेरे शिवा गुरु, हमारो के प्यारा दिलवा दा मेरे शिवा गुरु। ये लड़की जो आराधना करने लगी बैठ के दोपहर में, तो माता पार्वती जो थे बैठे हुए और शंकर जी, तो माता पार्वती के आँख से आंसू गिर गया, आँख से आंसू गिर गया और कहने लगे कि महाराज देखिए एक लड़की है, वो जब माँ के पेट में थी तो उसको पिताजी इस दुनिया से चल गए, उसके बाद उसको दादा दादी चाचा चाची जो भी घर के परिवार थे उसे निकाल दिए, उसे निकाल दिए। इसके माँ एक दाई के काम करती है, एक आश्रम में रही तो एक आश्रम में भी रही तो वहाँ पर भी इसको गुजारा नहीं हुआ, गांव में दाई के काम करती है। ये लड़की जो है बिना माँ के बताए हुए और इधर चल आई है, यदि इसको कुछ हो जाएगा तो इसको माता मर जाएगी। भगवान कहने लगे कि तो बताइए क्या करें पार्वती, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। ये पार्वती बोले, महादेव इनको कुछ, इस बच्ची को कुछ दे दीजिए, ये लौट जाएगी। महादेव बोले लेगी, तो महादेव बोले, पार्वती बोले क्यों नहीं लेगी। महादेव गए वहाँ उस बच्ची के पास, बोले बेटी तू यहाँ पर क्यों रो रही हो। कहती है, बाबा मेरे पिताजी भगवान के पास गए, उनसे ढूंढने जा रहे हैं,
सब बच्चे अपने पिता के गोद में बैठता है, पर हम खाली माता के पास बैठते हैं। जिसके पास बैठते हैं वो चार बातें सुना देते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी माँ एक दाई के काम करती है, गोबर घर करती है और मेरा जीवन परवरिश करती है। ये जो भगवान थे वो बोले, बेटी लो हम तुम्हें देते हैं थोड़ा सा धन, जाओ ले जाओ घर चल जाओ। भगवान कुछ उसको धन दिए और धन देकर और उसको चला दिए, उसको चला दिए तो वो लड़की चली गई। चली गई तो भूखे प्यासे थी, बीच में एक आम का पेड़ मिला। आम का पेड़ मिला तो वहाँ पर बहुत सुंदर छांव था, छांव था तो ये लड़की अपना मोटरी धर के, वो जो बाबा दिए थे वो मोटरी धर के और आम चुनकर खाने लगी। और दो गुंडे मवाली आए और इसका मोटरी को लेकर वहाँ से चल दिए। बेचारी रोते रह गई, लेकिन वो मोटरी इसको मोटरी नहीं मिला। ये जो बच्ची थी वहाँ से घर आ गई तो माँ कहने लगी, बेटी तू कहाँ चल गई थी, शाम हो गया, सुबह से घर पे नहीं है। कहने लगी, माँ क्या बताएं, भगवान जी के पास गए थे, तुम ही ना कहती थी कि भगवान जंगल में रहते हैं, तो हम खोजते खोजते जंगल के ओर चले गए थे, लेकिन भगवान जी के पास गए माँ, और भगवान जी के पास गए तो भगवान जी हमको मिले और हमें दिए थोड़ा सा धन, लेकिन चोर चुरा लिया। उसको माँ डांट के कहने लगी, हाँ बहुत नसीब वाली हो बेटी, इसीलिए कि तू जब तुम्हारा उम्र था पेट में गर्भवती हम हुए तो तुम्हारे पिता इस दुनिया से चल बसे, इसीलिए तुम्हें भगवान दर्शन देते हैं। बस करो बेटी, चुप रहो। ये बेचारी चुप हो गई और कहने लगी, क्या कहूँ माँ, जब घर नहीं ला पाए तो मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। ए रात में बच्ची सोई तो इसको नींद नहीं आ रहा था वो धन देखकर, कि हाँ वो धन यदि लेकर आते तो मेरी माँ खुश हो जाती, कोई बात नहीं फिर कल जाएंगे भगवान के पास, फिर उसी जगह पर जाएंगे, भगवान जी आएंगे। तो ये जो बच्ची थी वो सुबह में उठी और माँ से चुपे उसी जगह पर चली गई, उसी जगह पर चली गई और जाके रोने लगी और कहने लगी, नहीं ओ में हई शिव गुरु माँ धना दौलतिया जी धना दौलतिया, अरे नहीं हई घर परिवार मेरा शिव गुरु, नहीं हई घर परिवार मेरा शिव गुरु, नहीं में हई मोरा माता के ठिकाना माँ जी माता के ठिकाना माँ, अरे मोरो बात के कोई ना भरोसा मेरे शिव गुरु, जे धाना देला बाबा चोरावा चोराए लख जी चोरावा चोराए लख, अरे कैसे करी अपने गुजारा मोरा शिवा गुरु, कैसे करी अपने गुजारा मेरे शिवा गुरु। ये जो माता पार्वती थे ये फिर सुने तो फिर शंकर जी से कहने लगे, महादेव देखिए आप उसे धन दिए और चोर चुरा लिया, फिर आई है रोने को लिए, ऐसा कीजिए कि आप उसे कुछ दे दीजिए, वो घर लौट कर जाएगी। शंकर भगवान आए और एक मनी दिए, बोले जाओ बेटी इसे भुलाना मत, तुमको इसे घर में खाने पीने का हो जाएगा जाओ। ये जो लड़की थी वो मनी को ले ली और वहाँ से चल दी तो चलते 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 इसको प्यास लग गया, और जब बच्ची को प्यास लग गया तो ये नदी में पानी पीने लगी, नभ के पानी पीने लगी तो
फ्राक में धोखड़ी था उसको, पैकेट था उसमें, पैकेट में रख ली थी, नीचे गिर गया पानी में। और जब पानी में गिर गया तो उस मनी को मछली निगल गया, मछली निगल गया। तो ये लड़की क्या करती, घर लौट कर आ गई और माँ से फिर बोली कि माँ भगवान हमको दिए लेकिन मेरे पास फिर भी नहीं रहा। माँ ये कहती है, माँ कहती है जाओ जाओ कुलक्षणी, तुम्हें भगवान दिए धन नहीं मिला, लौट लेकर नहीं आई, झूठ बोलती हो, दिन भर पता नहीं कहाँ रहती हो और मुझसे बहाना लगाती हो, मुझसे ऐसा झूठ बोलना बंद कर दो। माँ ऐसा बोली। ये जो बेटी थी वो चुप हो गई, चुप हो गई, रात में सोई, फिर सुबह उठ कर गई, सुबह उठ कर गई तो भगवान जाकर फिर रोने लगी, फिर रोने लगी और कहने लगी, जे ही दिन जालमली शिवा गुरु नामा मोर कुला छानी, जी लम नामा मोर कुला छानी, अरे माता मोरा मोरई धू धू करा मेरे शिवा गुरु, माता मोरा मोरई धू धू करा मेरे शिवा गुरु, गौआ रे महला तन मा सहलो न जा जी, सहलो न जा जी, अरे माता केरा बोलिया कैसे सही है मेरे शिवा गुरु, माता केरा बोलिया कैसे सही है मेरे शिवा गुरु, हाथी देवई जिया राय अपना मेरे शिवा गुरु, हाथी देवई जिया राय अपना मेरे शिवा गुरु। पार्वती कहने लगे महादेव कैसे आप देते हैं जो उसके पास नहीं रहता है। इका लड़की कह रही कि मर जाएंगे, इतनी छोटी कन्या है, 7 साल की है, इसको कहाँ से ज्ञान आ गया कि हम मर जाएंगे। गांव टोला महल्ला ताना देता है, सहते सहते माँ भी कहती है, माँ का ताना कैसे सह सके, अब किसके पास रहें, इसके माता के पास धन हो जाएगा तो क्या ये इसको ऐसा करना पड़ेगा। महादेव बोले आप नहीं जानते हैं देवी, इसका भाग जो है छोटा है, नसीब छोटा है, इसीलिए इसके भाग में नहीं रह रहा है। ये जो महादेव थे, पार्वती थे, वो महादेव से बोले इसका भाग और किस्मत कौन दिया है, आप ही लोग बनाए हैं, बदलिए इसका भाग को, इसका किस्मत को बदलिए और इसका किस्मत में धन दीजिए। पिता का दुलार तो मिल नहीं सकता है लेकिन माता का दुलार ही अच्छा मिले। महादेव क्या किए कि बोले कि ठीक है देते हैं धन। उनको भक्त जन मंदिर में चढ़ाए थे 1 रुपया, वही 1 रुपया उठाकर और उस कन्या को हाथ में धरा दिए, कन्या को हाथ में धरा दिए और धरा के और बोले कि लो बेटी लो जाओ, इससे तुम्हें धन हो जाएगा और तुम इसी से खुश रहना। वो लड़की ले ली और लेकर घर लौट आई, अपने माँ के बोली लौटकर, माँ हम भगवान के पास गए, 1 रुपया हमें भगवान दिए, देखो। बोले कि 1 रुपया से क्या होगा बेटी, 1 रुपया भगवान तुम्हें दिए तो क्या होगा। ये लड़की कहती है माँ कुछ तो हो जाएगा। इतना ही में मछली वाला मछली लेकर आए, मछली लेकर आए, बच्ची जिद करने लगी, माँ मछली मुझे खरीद दो, मछली मुझे खरीद दो। ये जो माँ थी वो कहने लगी कि मछली खरीदे, 1 रुपया में मछली होगा। ये जो मछली वाले थे उसे जाके बच्ची बोली भैया मुझे मछली दे दीजिए, मेरे पास 1 रुपया है। सारा लोग कहने लगे हाँ दे दीजिए इसको, इसके पिताजी नहीं है, इसके सिर्फ माता है, दे दीजिए। वो मछली वाला 1 मछली उसे उठा के दे दिया, लो बना लो बिटिया जाके घर में बना लो। ये जो बच्ची थी वो अपना घर में मछली लाई और माँ के बोली माँ मछली लेकर आए। उसके माँ जो थी वो मछली को काटने लगी, मछली को काटने लगी और बच्ची वहीं पे बैठल थी।
बच्ची वहीं पे बैठल थी और जब मछली काटी तो जो चमचम मनी था भगवान दिए थे वो मनी मिल गया, वही मछली के पेट में था। मछली के पेट में था तो ये जो लड़की थी वो लेकर कहने लगी, माँ हमें भगवान ही दिए थे, देखो मछली निकल गया था नदी में से, भगवान हमको वापस कर दिए, माँ भगवान वापस कर दिए, इससे घर में रख देंगे। वो मनी ले जाकर लड़की घर में रख दी और घर में रख दी और मछली उसके माँ बनाई, उसके माँ मछली बनाई तो माँ बेटी मछली खाई, मछली खाई और जो धन लिया था आम के पेड़ के पास से जो धन लिया था वो धन वाले को भगवान शिव गुरु दो सर्प भेजे और सर्प जाके और पूरा उसे डराने लगा, नाग नागिन जाके और पूरा गूंजने लगा उसके घर में और कहने लगा कि यदि उसका धन तूने नहीं लौटाया तो तेरा सारा परिवार को नष्ट कर देंगे, डांस लेंगे, सारी परिवार तुम्हारा इस दुनिया से चल जाएगा, तूने उसका धन ले लिया है, चुरा लिया है। ये हाथ जोड़ के नाग से माफ़ी मांगा और बोला कि हे नागदेव मुझे आप मत डसिए, हम उसका धन उसको घर लौटा देंगे। नागदेव जो थे वो बोले कि ठीक है आगे आगे हम चलते हैं और तू पीछे पीछे चलो मेरे साथ। ये आगे आगे नागदेव गए और पीछे पीछे ये मनुष्य गया जो चुराया था, चोर गया और जाके और नागदेव जो थे वो छुप गए और ये जो चोर था वो चोर उसके घर के दरवाजे पे जहाँ पर वो रहती थी माँ बेटी उस दरवाजे पे वो थैली धर दिया। ये जो लड़की का नज़र पड़ा, ये जो चोर था वो तो लौट आया सुबह और ये जो लड़की निकली तो देख रही है कि अरे एक थैली रखा हुआ है। थैली खोल के देखती है तो देखी कि अरे ये तो वही धन है जो हमें भगवान दिए थे। ये चिल्लाते माँ से कहने लगी, माँ देखो भगवान ने हमें जो धन दिए थे वो धन मेरे दरवाजे पे रखे हुआ है, माँ कोई ने पहुँचा गया, वही चोर पहुँचा गया, माँ मुझे भगवान खुश हो गए, भगवान दर्शन दिए थे, माँ देखो। माँ जब धन देखी तो खुश हो गई और जिसके घर रह रही थी उसे बोली कि अब अपना सारा संसार को देखिए, हम अपना घर चले। ये जो माँ और बेटी थी मनी और जो धन था धन लेकर और घर आ गई तो घर इसको भीठा पड़ गया था क्योंकि निकले हुए 7 साल 8 साल बीत गया था तो इसका घर भीठा पड़ गया था। ये क्या की कि झोपड़ा झोपड़ी देकर रह गई और रह के और घर में पूरा अपना घर बना लिया धीरे धीरे करके और घर बना लिया। और जब घर बना लिया इसके पास धन हो गए तो जो भी इसके परिवार थे, सास थे, ससुर थे, भैंसुर थे, जो भी परिवार थे वो सारा परिवार अपना लिए और अपना के इसे प्यार करने लगे, मानने लगे और अच्छे तरीके से इसको घर में रखने लगे। और ये भी शिव गुरु का उस दिन से मानने लगी कि भगवान आप तो पति को छीन लिए थे लेकिन मुझे धन देकर और मुझे अच्छा किए कि मेरा सारा परिवार मिल गए और हम भी सुखी अपना जीवन को बिता रहे हैं। और शिव गुरु को फिर से मानने लगी और शिव गुरु को स्वीकार कर ली और बोली कि हे भगवान हम आपको चरण छोड़कर बहुत बड़े गलती किए थे कि इतना बड़ा मुझे सजा भुगतना पड़ा, आपको चरण अब नहीं छोड़ेंगे महादेव। और जो चरण पकड़ी, जो चरण धैले रह गई और माँ बेटी खुशी जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, जैसे शिव गुरु उस बच्ची पे दया बरसाएं, उसे दर्शन दिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब गुरु भाई बहना का जो भी शिव गुरु को मानते हैं सबको अपना दर्शन दे और अपना दया बरसाएं और सबके घर में सब कुछ भरे हुए रहे और किसी को किसी चीज़ का कमी ना हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। घर घर महादेव।